पोलावरम परियोजना का मुख्य मकसद गोदावरी के उफनते बाढ़ को समुद्र में मिलने से रोकना है और आंध्र प्रदेश को खुशहाल बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MEIL द्रुत गति से काम में जुटी है। इस तरह की परियोजना का पहला प्रस्ताव सन 1941 में दिया गया था, जब देश में अंग्रेजों का राज था। पश्चिमी गोदावरी के पोलावरम मंडल के रमैया पेट को परियोजना कार्य के लिए चुना गया था। सन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी ने जल यज्ञ के तहत इस परियोजना का आगाज किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। YS जगन मोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद MEIL ने रिवर्स टेंडरिंग के जरिए परियोजना का जिम्मा उठाते हुए 838 करोड़ 51 लाख रुपए खजाने का बोझ कम किया। MEIL योजना के मुताबिक और इंजीनियरिंग मानक के अनुसार काम को संपादित करने में जुटी है। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दिसंबर 2021 तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई है। इस एक्शन प्लान के मुताबिक संयोजित तरीके से स्पिलवे स्पिल चैनल के साथ ही ऊपरी और निचले कॉफर डैम को पूरा करना है। कार्य योजना के मुताबिक ही परियोजना का काम द्रुत गति से जारी है। राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग से लंबे समय से अटके अनुमोदन को हासिल किया है। हासिल अप्रूवल से काम को और तेज करने में मदद मिली है। महामारी की आशंकाओं के बावजूद काम की गति थमी नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लागू लॉकडाउन के चलते बिहार, ओडिशा और बाकी राज्यों के कामगार अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। राज्य सरकार और MEIL के भरोसा दिलाने के बाद एक बार फिर 2000 कामगारों ने परियोजना के लिए काम शुरू कर दिया है। MEIL कामगारों को महामारी से बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। स्पिल वे और स्पिल चैनल का काम एक बार फिर सुचारू रूप से जारी है, जिसे मई 2021 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। MEIL ने हजारों टन मिट्टी के कटाव के लिए प्रोक्लेनर्स और बाकी भारी मशीनें लगाई हैं। स्पिल वे पर ब्लॉक्स का निर्माण जारी है, जिसके लिए रोलर्स और बालू व कंकड़ को मिलाने वाली कंक्रीट मिक्सर मशीनें लगाई गई हैं। हर एक ब्लॉक पे सैकड़ों घन मीटर काम होता है, साथ ही हर दिन कम से कम 20 ब्लॉक का काम पूरा किया जाता है। बीते साल नवम्बर महीने में ऊपरी कॉफर डैम का बचा हुआ 35.83 लाख घन मीटर का काम शुरू हो चुका है। MEIL ने निचले कॉफर डैम के बाकी के 22.09 लाख घन मीटर काम को जुलाई 2021 तक पूरा करने की योजना बनाई है। इस काम का उद्देश्य पानी को गोदावरी डेल्टा की तरफ खरीफ और रबी के मौसम में मोड़ना है। ऊपरी और निचले कॉफर डैम के बीच जमीनी और पत्थर बिछाने का 117.69 लाख मीटर काम दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीन पहाड़ियों के बीच गोदावरी के किनारों पर MEIL 2454 मीटर लंबे जमीनी और पत्थर भराई के काम को अंजाम दे रही है। बालू के ऊपर ये दुनिया की सबसे लंबी रॉक डैम होगी। चीन के थ्री जॉर्जेस परियोजना के सबसे बड़े स्पिलवे की क्षमता 37 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ने की है, जबकि MEIL ऐसे स्पिलवे का निर्माण कर रही है जिसके ऊपर से 50 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी नीचे छोड़ा जा सकेगा। 52 मीटर ऊंचे खंभों पर गर्डर्स लगाने का काम शुरू हो चुका है। MEIL कुल 49 खंभों पर 196 गर्डर्स का निर्माण करेगी। हर एक गर्डर की लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होगी। हर गर्डर का वजन 62 टन है। गर्डर्स लगाने के बाद पिलर के ऊपर स्लैब बनाने का काम शुरू होगा, जिसके बाद जमीन के साथ रॉकफिल डैम गैप 1 और गैप 3 का काम शुरू होगा।